का इसमें लगता नहीं, तभी निकाल के अलग फेंक देते हैं। कितने का भैया सेट वाला? ऊपर वाला 650 का, 450 का। आपको पसंद आ रहा हो तो लेना जी, दूसरे को पसंद। बेटा पकड़, बेटा पकड़ बाल, पकड़ मार दूंगी गिर जाएगा। जा रही हूँ, लेट हो रहा है यार। रह मम्मी, देख खाते हो आए नाना, आए नाना, दा चीजियाँ ले आए, चीजियाँ ले आए, जो बाकी है तो बाकी तो मम्मी का गरम बने आते अंदर में ना देते। आज हम लोग जा रहे हैं करवा चौथ के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो आज बस देखिए यहाँ बेबी को अक्कू ने होल्ड कर रखा है, बेबी बिल्कुल रेडी, अक्कू भी रेडी, एंड मैं भी रेडी, और भाई के साथ जा रहे हैं। और कब से मैं इस चुड़ैल को बोल रही हूँ ये रेडी ही नहीं हो रही है। देखिये माँ तांडव कर रही है घर में बैठे बैठे, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। क्यों लेके जा रही है? क्योंकि बाबू को पकड़ना होगा ना, बिकॉज ऑफ सो गाइस हम लोग जा रहे हैं मार्केट और शॉपिंग करने के लिए। तो साड़ी लेंगे करवा चौथ के लिए, तो करवा चौथ बिल्कुल नज़दीक आ गया, तो उसको रेडी करवाना होगा ना, तो इसलिए तो बस अब हम लोग निकलते हैं मार्केट। सो गाइस फाइनली हम लोग जो है मार्केट के लिए निकल चुके हैं, एंड बेबी को मैं कोशिश कर रही हूँ सुलाने के लिए ताकि जो है वो सो जाए और मैं इजीली शॉपिंग कर पाऊँ। मार्केट में ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए जो है मैंने बेबी को अच्छे से फीड करा दिया है, एंड वो अभी सो रहा है। देखिए मैंने बेबी को यहीं पर सुला दिया है कार में, और हम लोग बस पहुँचने वाले हैं मार्केट में। और मार्केट में जाने के बाद बेबी कार में सोएगा और उसके साथ मामू रहेंगे, और मैं और अक्कू जाएंगे जल्दी से शॉपिंग करने के लिए। तो बस वेट रहेगा कि बेबी जल्दी से उठे ना और हम लोग शॉपिंग कर ले। तो देखिए होता क्या है एक्चुअली में, हम बताएंगे आप लोगों को इस ब्लॉग में। श्यापा हो गया, हम लोग जस्ट मार्केट एंट्री करने वाले थे, ये देखिए उठ के रेडी हो गया। ये उठ गया, अब हमें मार्केट में इसको भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, पर मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है मार्केट में। उठ गया बेटा, हाँ मम्मा को अकेले नहीं जाने देना, मम्मा के साथ चलना है। बिट्टू मेरे बिट्टू को मम्मा के साथ ही जाना है, इसीलिए गाड़ी के अंदर सो गया, और जैसे मार्केट में जाने का टाइमिंग आ गया उठ गया बेटा। हाँ मम्मा को नहीं छोड़ना बेटा को मेरे। एंड गाइज मैं फाइनली मार्केट में पहुंच चुकी हूँ, और मैं मार्केट से पहले उतरी, बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि कार वहाँ पे जा ही नहीं सकती थी, इसलिए जो मैं मार्केट से पहले उतर गई। और प्लस पॉइंट कि मुझे अकेले ही जाना पड़ा, अक्कू को मैंने बोल दिया कि बेबी को वो भी संभाल ले अगर विनोद ना संभाल पाए तो। और ये देखिए गाइज भीड़ कितनी ज़्यादा है, इस भीड़ में बेबी को लाना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम होगा। ये देखिए कितनी भीड़ है, मतलब ना इंसान तक ठीक से चल नहीं पा रहे थे, ऐसे इसमें भीड़ थी। यहाँ पे तो आपको थोड़ा थोड़ा खुला एरिया भी दिख रहा है, बट आगे वो भी नहीं था, तो मैंने वीडियोज़ वगैरह कंटिन्यू नहीं बनाई। और ये देखिए साड़ी की शॉप, मैं इसके अंदर आई तो थी साड़ी लेने के लिए, बट इन लोगों ने पता है क्या बोला, इन लोगों ने बोला कि मैडम दुकान पूरा खाली है, आप देख लो जो साड़ी बोलोगे वो दे देंगे, पर साड़ी दिखाने वाला काम आज नहीं। तो इसलिए गाइज़ वहाँ पर मैंने देखा ही नहीं साड़ी। और ये देखिए कुछ सामान हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है यहाँ पे, काफ़ी डिस्काउंट, मतलब काफ़ी जो है ना सस्ते प्राइस में यहाँ पे जो है चीज़ें मिल जाती है, लहंगा से लेकर मतलब एवरीथिंग आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो मेरे को तो ये मार्केट बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ तक कि चांदनी चौक सदर वगैरह से अच्छा ही लगता है मेरे को मार्केट, बिकॉज उतनी दूर जो चीज़ें सस्ती मिलेगी उससे अच्छी प्राइस में मुझे मेरे घर के पास ही मिल जाती है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में प्राइस मिल जाता है। और ये देखिए गाइस शाम हो गई थी, इसलिए जो है मैं बस जल्दी से निकला, ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बस साड़ी ली और मैं निकल गई। हम लोग मार्केट से आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इम्पॉसिबल था उस मार्केट में शॉपिंग कर पाना आज के लिए। बट कैसे भी मतलब मैंने शॉपिंग की, मैंने सोचा था दो साड़ियाँ लूँगी, उसके साथ में पूरा सेट का सामान लूँगी,
बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज एक साड़ी लेने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत मुश्किल से मैं दुकान के अंदर एंट्री की थी और आउट हो गई थी बिकॉज ना इतना ज़्यादा भीड़ था गाइस कि मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा था। तो बस मैंने एक साड़ी लिया है और कुछ चूड़ी वगैरह ली है जो कि मैं गाइस में वीडियो में शो कर दूँगी। और इसके अलावा गाइस मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बिकॉज यही था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। सो गाइज, और गाइज मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ इसलिए जो है गाइज वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।